हिंद साथियों मैं जितेंद्र हिंदी का विद्यार्थी सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्वानों और विदुषियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे सारे रण बाकुरे मेरे साथ जुड़ जाएंगे जो कि आगामी उप निरीक्षक आगामी पटवारी आगामी एस एस के एग्जाम में चयनित होने वाले हैं एस एस को टारगेट करते हुए और पटवारी को टारगेट करते हुए दोनों का कॉम्बो चलेगा जो प्रश्नों की हमारी सीरीज है वो तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही सही जो थ्योरी की क्लासेस है वो भी कंटिन्यू रहेगी लेकिन फिर से एक बार पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक शब्द और लोकोक्ति मुहावरे पर भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे तो हमारे जो सेशन में पंद्रह से बीस क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां पर पर्यायवाची विलोम और मुहावरे पर चर्चा की जाएगी और फिर संधि के क्वेश्चन रहेंगे जैसे ही संधि के हमारे पांच सौ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हम रस छंद अलंकार पर एंट्री करेंगे जिसमें थ्योरी क्लासेस रहेगी आपकी संगीत की नगरी ग्वालियर से प्रणाम खुश रहिए जाहवी जी श्रवण सिंह अमन नागदेव सुधीर गुड मॉर्निंग महेश राम राम भाई काजल वीरेंद्र शेफाली जी राम राम नरवर सिंह नरेश रावत जी देकर गुलाब यह कर, कर चला गया टोकरी वाला करते रह जाओगे तुम इंतजार उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला जय हिंद जय हिंद बच्चे चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार ये देखिए आज का मोटिवेशन क्या कह रहा है आज का मोटिवेशन क्या कह रहा है दोस्तों आज का मोटिवेशन क्या कह रहा है कि हार तो वो सबक है हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी हार तो वो सबक है अपनी गलतियों को सुधारो कहां कमी रह गई उसमें सुधार करो ठीक है कहां कमी रह गई उसमें सुधार करो अगला देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द है बताइए आकाश का पर्यायवाची शब्द है इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा जल्दी से आंसर दीजिए आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है यदि हम आकाश के पर्यायवाची शब्द पर चर्चा करें तो आकाश को हम क्या कहते हैं नभ आकाश को हम क्या कहते हैं लाडलो आसमान क्या कहते हैं आसमान आकाश को हम क्या कह सकते हैं आसमान आकाश को क्या कहते हैं और अंतरिक्ष क्या कहते हैं अंतरिक्ष आकाश को क्या कहते हैं गगन क्या कहते हैं गगन ठीक है और आकाश का ही पर्यायवाची कौन सा है व्योम करेक्ट आंसर कौन सा हो गया व्योम नभ अंबर आकाश व्योम नभ अंबर आकाश तो ये अंबर हो गया द्रग मतलब क्या होती है आंख द्रग द्रग हो तो दृश्य अकांड देख द्रग हो तो दृश्य अकांड देख में सारा ब्रह्मांड देख है ना कहते हैं कि नहीं भगवान कृष्ण दुर्योधन की सभा में द्रग हो मतलब तेरी आंखें हो तो ये दृश्य अकांड देख में सारा ब्रह्मांड देख ठीक है द्रग मतलब क्या होता है आंख विप्र मतलब क्या होता है ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है विप्र मतलब किसका पर्यायवाची होता है लाडलो ब्राह्मण का आंख नेत्र नयन चक्षु द्रग पलक अंबक ये सब आंख के पर्यायवाची है ब्राह्मण को क्या कहते हैं भूमि भूमिपुत्र भु, भु, भी कह, कहते भूमिपुत्र किसान को कहते हैं भूदेव भूदेव किसे कहते हैं ब्राह्मण को भूमिपुत्र किसान को कहते हैं और भूदेव जो पृथ्वी पर देवता है वो कौन है ब्राह्मण ऐसा माना जाता है ठीक है तो ये ब्रह्म को भी धो अनंत भी कहते हैं शाबाश शाबाश बहुत सही अरुण तोमर जी बिल्कुल सही चलिए अगला देखिए अगला देखिए फूल का पर्यायवाची नहीं है फूल का पर्यायवाची नहीं है बिल्कुल अर्जुन तोमर व्योम शून्य गगन अंबर आसमान अंतरिक्ष नब्धन ठीक है लेकिन आप एक ही बार कमेंट करो बेटा एक ही बार कमेंट करो अर्जुन ठीक है भिक्षु अंकिता निगवाल डी आंसर आ रहा है नो वरियर सुधीर शर्मा देखो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं उन्होंने यदि लाइक नहीं किया है तो वो सेशन को लाइक कर दें और जिस जिस ग्रुप में आप लोग एड है वहां पर एक बार लिंक को पटकाइए बेटा अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लिंक को डाल दीजिए जल्दी से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिंक को डाल दीजिए प्रणाम अजय जी आ गए माखन नगर से है ना माखन नगर से बाबई ग्राम से होशंगाबाद से जी बिल्कुल इंदौर से धीरज मालवीय जी हैं लगातार छठे नंबर पर है हमारा इंदौर तनुजा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रंजीत जी फूल का पर्यायवाची नहीं है तो फूल का पर्यायवाची भैया पुष्प सुमन फूल कुसुम प्रसून ठीक है तो फूल को और क्या, और क्या कहते हैं प्रसून भी कहते हैं फूल को और क्या कहते हैं पोहप भी कहते हैं कुसुम भी कहते हैं पुष्प भी तनुजा मतलब किसको कहते हैं बेटी को बेटी पुत्री सुता आत्मजा आत्मजा तनुजा तनिया ये सब बेटी के पर्याय पापा की परी ठीक है पापा की परी ये सब किसके पर्यायवाची है बेटी के और पुष्प सुमन कुसुम प्रसून पुहूप ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं फूल के पर्यायवाची होते हैं करेक्ट आंसर कौन सा डी करेक्ट आंसर कौन सा बच्चे डी ठीक है कोई नहीं जानवी जी ऐसे नहीं बोलते ये गलत बात है ऐसे नहीं बोलते वो उनकी इच्छा है कोई नहीं ठीक है राजगढ़ वाले भी ऐसे जी बिल्कुल राजगढ़ वालों का बहुत बहुत स्वागत है भैया राजगढ़ ब्याहरा वालों का ठीक है दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द है दिए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द है मयंक जैन शिवपुरी से वाह भैया शिवपुरी खनिया दाना पिछोर बहुत बहुत स्वागत आपका जय हिंद सर जय हिंद हेमंत जी सौभाग्यवती बेटी को भी बोल सकते नहीं बोल सकते सौभाग्यवती बेटी को नहीं बोल सकते हैं सौभाग्यवती मतलब होती है सुहागन महिला सौभाग्यवती कन्या बोलते ना सौभाग्यवती सौभाग्यवती भाव सौभाग्यवती किसे कहते हैं जो शादीशुदा महिला रहती है उसे हम कहते हैं सौभाग्यवती भव भव का मतलब होता है संसार भव का मतलब होता है संसार और सौभाग्यवती भव का मतलब है कि जब तक ये संसार रहे तू क्या रहे सुहागन रहे तेरा सुहाग अमर रहे मतलब तेरा सुहाग तब तक रहे जब तक ये संसार रहे तो सौभाग्यवती मतलब जिसको सुहाग तो इसीलिए सो का लिखा जाता है ना का मतलब सौभाग्य कांक्षिणी होता है सौभाग्यवती नहीं होता क्योंकि अभी उस लड़की की शादी नहीं हुई है तो उसे हम सोका कहेंगे न कि सौभाग्यवती कहेंगे समझ में आया सौभाग्यवती सुहागन स्त्री को कहते बेटा लड़की को मत बोल देना चप्पल मार तुझे चप्पल दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है क्या आंसर आएगा लालू लालो लालू ला क्या आंसर आएगा लाडलो ला कि दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द है भास्कर रवि दिवाकर ये सब किसके पर्यायवाची है सूर्य के सूर्य के और सुधाकर किसका पर्याय है चांद का सुधाकर किसका पर्याय है चांद का तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा डी करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया चांद ठीक है सूर्य को और क्या कहते हैं मारतंड मारतं और क्या कहते हैं पतंग ठीक है मीत्र. और क्या कहते हैं मित्र और क्या कहते हैं रवि देखो मित्र भी कहते हैं सूर्य को ध्यान रखना मित्र पतंग भी इसी को कहते सिर्फ रवि और क्या कहते हैं भानु और क्या कहते हैं अर्क है, है ना और क्या कहते हैं अर्क भी कहते हैं सूर्य को सूर्य को और क्या कहते हैं दिनकर भी कहते हैं क्या कहते हैं दिनकर भी कहते हैं और क्या कहते हैं सूर्य को आदित्य भी, भी कहते हैं क्या कहते हैं आदित्य भी कहते हैं क्लियर है इतना रंजित गुर्जर संधि समास आगे आ रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं अपन पांच क्वेश्चन पर्यायवाची के पांच विलोम के और पांच लोकोप्ति मुहावरे और इसके बाद हम एंट्री करेंगे अपने संधि समाज की प्रश्न सीरीज में क्योंकि बच्चों का बेटा एस एस का भी एग्जाम है तो अब एक काम यह किया जा सकता है कि एस एस को भी साथ में ले लें और उसमें मुहावरे लोकोप्ति अब बहुत पूछे जाते हैं तो पाँच पाँच प्रश्न मतलब पंद्रह से बीस प्रश्न हमारे मुहावरे लोकोक्ति के पर्यायवाची विलोम के रहेंगे और उसके बाद संधि समास की जो अपनी सीरीज है वो आगे कंटिन्यू होगी और अभी दिसंबर दो तक संधि समास अपन खत्म कर लेंगे इसके बाद रस छंद अलंकार हमारे शुरू होंगे रस अलंकार शुरू होंगे क्लियर है इतना ओके तो अभी ये तब तक अपना ये चलता रहेगा इसमें पंद्रह क्वेश्चन सब तरीके के आपको मिलेंगे चांद को और क्या कहते हैं भैया सुधांशु कहते हैं सुधा मतलब अमृत और अमृत की बूंद झलकाता है ना चांद अपन जो है तो खीर को बाहर रख देते हैं घर के बाहर की चांद वर्षा करवाएगा और जो है खीर को फिर एक दिन बाद खाई जाती है अमृत की वर्षा करवाता है सुधांशु इसीलिए चांद को क्या कहते हैं हिमांशु भी कहते हैं इसीलिए चांद को क्या कहते हैं मयंक भी कहते हैं है ना सुधाकर तो चांद यही सही ये यह अपनी छोटा बड़ा होता रहता है इसलिए इसे कलाधर भी कहते हैं क्या कहते हैं कलाधर भी कहते हैं इसी को क्या कहते हैं शशि भी कहते हैं इसी को क्या कहते हैं राकेश भी कहते हैं इसी को क्या कहते हैं रजनीश भी कहते हैं है ना इसी को क्या कहते हैं छपानाद भी कहते हैं क्या कहते हैं छपानाद भी कहते हैं इसी को क्या कहते हैं रजनीकर भी कहते हैं रजनीकर भी कहते हैं इसी चांद को हम क्या कहते हैं तमीकर भी कहते हैं ठीक है तमीकर भी कहा जाता है क्लियर है ये सब चांद के हैं ये सूर्य के हैं चलिए आगे आगे बढ़ते हैं दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है बताइए दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है वो टपकेंगे बच्चे मैं यहां लिख देता हूं बच्चे टपकेंगे फटाफट आंसर दो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वो सेशन को लाइक शेयर कर दे नो वॉरियर्स गेम जोन वेरी गुड वेरी गुड बहुत सही आंसर सारा चौहान शाबाश शाहबाश गुड मॉर्निंग अमित यादव लिमेश्वरी जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यशवंत सोनिया पता नहीं क्या कह रहा था गुड मॉर्निंग जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा बेटा मनीष मनीष लोधी जी प्रणाम खुश रहो खुश रहो रंजीत जी हाँ बताइए क्या आंसर आएगा नहीं भिन्न अर्थ वाला उषा उषा काल उषा काल होता है कि नहीं उषा काल होता है कि नहीं उषा काल मतलब सुबह सुबह का समय और सुबह का कैसा जो सवेरे सवेरे का है स्टार्टिंग वाला प्रभात फेरी निकलती है ब्रह्म मुहूर्त वाला सवेरा सुबह के समय को कहते हैं सुबह सवेरा और दिन में अंतर है सुबह सवेरा और दिन में अंतर है दिन मंगलवार बुधवार कोई भी हो सकता है दिन भाई आज कौन सा दिन है आज अपन जैसे मैंने कहा अपन सोमवार को मिलेंगे तो अभी सोमवार की सुबह मिलेंगे इससे कोई मतलब सोमवार की शाम को भी मिल सकते हैं भाई सोमवार को उसका बर्थडे मनाना है तो कभी भी मना लो अरे सोमवार को उसका बर्थडे है तो दिन भर में कभी भी मना लो तो दिन तो अलग चीज हो गई ना अरे लाड़ लो दिन तो अलग चीज हो गई ना दिन यहाँ पर क्या है भिन्न अर्थ दे रहा है कि बर्थडे मनाना दिन में लेकिन उषा काल में मनाना है तो प्रभात सवेरा ये तीनों मैच करेंगे आपस में जबकि आंसर क्या हो जाएगा हाँ रात में ज्यादा अच्छा रहेगा कह रहा है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगला ये क्यों लगा है मेरे में भी लगा है तो तू खुश होना जी कितनी अच्छी बात है आपको ब्लूटिक मिला है आडंबर का समानार्थी शब्द है आडंबर का समानार्थी शब्द है बताइए जल्दी आडंबर का समानार्थी शब्द है फटाफट आंसर दो अच्छा मैंने दिन ही बताया था मिस्टर सुनील कह रहे कैरेजी बिल्कुल यशवंत सोनिया छोटी की और बड़ी की में अंतर अर्थ के अनुसार अर्थ के अनुसार ये अंतर है ये देखो ये एक छोटी की बड़ी की का अपन इसको अंतर क्लियर कर दे लड़के को छोटी की बड़ी की का अंतर क्लियर कर दे इस लड़के का कहना है कि सर एक क में छोटी की मात्रा आती है और एक कह तो में बड़ी की मात्रा आती है बच्चे ये की होता है हमारा संबंध कारक का की के ये की होता है हमारा संबंध कारक कौन सा का की के और ये की किसको दर्शाता है देट को ये की अंग्रेजी में किसको दर... दर्शाता है देट को ये की किसको दर्शाता है एपोस्ट्रोपी वाले एस को अब जहां संबंध बताना हो वहां पर हम क में बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे जैसे राम की बहीन तो राम की क्या है वो बहीन है ना राम से उसका संबंध है तो राम की बहन बाजार जाती है हमने लिखा राम की पुस्तक चोरी हो गई राम की पुस्तक चोरी हो गई राम की पेंसिल खो गई राम की पेंसिल खो गई तो क्या में कौन सी मात्रा बड़ी की मात्रा राम के संबंधित है बता रहा और ये की किसको देखो आ, अंग्रेजी में भी क्या हो जाए राम सिस्टर राम की बहन राम सिस्टर राम्स बुक राम्स पेंसिल ठीक है और हिंदी में भी ये की मैंने कहा था कि मैंने मैंने कहा था कि अब ये संबंध नहीं बता रहा मैंने कहा था कि आई टोल्ड दैट देखो इंग्लिश में भी इसका क्या होगा दैट यहां क्या होगा राम सिस्टर राम सिस्टर राम्स बुक राम्स पेंसिल लेकिन यहां क्या हो जाएगा मैंने कहा था कि आई टोल्ड दैट महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो महात्मा गांधी टोल्ड दैट डू और डाई बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक टोल्ड दैट फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट तो कौन सा डेट आएगा ये वाला ये की ये की की ये जगह डेट आ जाता है क में छोटी की मात्रा किसी कथन को बताने के लिए प्रयोग की जाती है और क में बड़ी की मात्रा संबंध कारक है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रारेरी समझ में आया क्लियर है सभी को तो थम इंप्रेशन दे दे फटाफट यदि क्लियर है तो थम इंप्रेशन दे दे और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दे जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया हो लाइक शेयर करे फटाफट सेशन को सभी अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल दो जल्दी से जिससे ज्यादा बच्चों तक अपनी सूचना पहुंच पाए क्लियर है की और की में अंतर अगला देखिए आडंबर का समानार्थी शब्द बताओ आडंबर का समानार्थी शब्द बताओ जी बिल्कुल जी बिल्कुल बताइए चले आडंबर का समानार्थी शब्द आडंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा आडंबर का समानार्थी ए आ रहा है क्या हाँ ढोंग शाबाश ढोंग ढोंग है ना ढोंग शब्द क्या होता है अच्छा कंदर्प हो जाए तो कामदेव का पर्यायवाची ओनली दर्प घमंड को कहते हैं तंबू तुम समझते हो आवाज दी जाती है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ढोंग आडंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ढोंग अगला देखिए अगला देखिए मृदुल का विलोम शब्द है मृदुल का विलोम शब्द है जल्दी से आंसर देंगे मृदुल का विलोम शब्द है फटाफट पर्यायवाची विलोम मुहावरे लोकोक्ति को हम कवर करेंगे बीस क्वेश्चन तक पंद्रह से बीस क्वेश्चन होंगे उसके और फिर हम संधि समास में एंट्री कर रहे हैं जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाइए सबको बुला लो भैया क्या आंसर होगा मृदुल का विलोम अरे बेटा सरल का विलोम कठिन होता है यशवंत तू ऐसे ही टपकता है गधा कितने दिन से पढ़ रहा है सरल का विलोम क्या होता है कठिन सरल का विलोम क्या होता है कठिन ओके सरल का विलोम क्या होता है कठिन और कठोर किसका होता है कोमल का कठोर किसका होता है कोमल का लो ये जो ए डी वाले है ये सब तो गई गई भैंस पानी में सब के सब गए पानी में अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है कठोर दिया है मैंने तो हाँ तो लेना कोमल का कठोर होता है कोमल का कठोर होता है तू भी फिर भी तू गलत है फिर भी तू गलत है बता ये अतुल कोठारे का बिल्कुल सही आंसर आया सबसे पहले ठीक है अतुल कोठारे है संदीप सिंह था अब आए सही आंसर पर बच्चे अब आए सही आंसर पर ठीक है मृदुल का विलोम क्या हो जाएगा रुक्ष रुक्ष मतलब रुखा रुखा छ का क्या बन जाएगा ख हम बोलते हैं ना आज वो बहुत रूखा रुखा सा है है ना तो मृदुल का विलोम क्या हो जाएगा रुक्ष, करेक्ट आंसर कौन सा सी 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 जितने बच्चे देख रहे हैं यदि उन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है फटाफट लाइक शेयर कर दो ठीक है अगला देखिए ऋणात्मक का विलोम शब्द है ऋणात्मक का विलोम शब्द है फटाफट आंसर दीजिए ऋणात्मक का विलोम शब्द है धनात्मक ऋणात्मक मानात्मक अनात्मक ऋणात्मक का आ, विलोम शब्द है अजय जय हिंद जय हिंद भैया ए आंसर आ रहा ए ए ए बी किसी का ए आ रहा किसी का बी बी किस खुशी में आएगा ऋणात्मक का विलोम बताना है पर्यायवाची नहीं और ये तो ऋणात्मक वैसे भी गलत है ना धनात्मक ऋणात्मक मतलब कम होना धनात्मक मतलब जुड़ने वाला ऋण ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा धनात्मक बहुत आसान सा ऑप्शन था ये तो अगला देखिए कलुष का विलोम शब्द है कलुष का कलुष का विलोम शब्द है कलुष का विलोम शब्द है राम 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 भैया किशोर डांगी जी दीपक वर्मा लेट हो गया कोई बात नहीं दीपक जी अब आप जुड़ जाइए सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए दीपक जी आप फटाफट ठीक है जिन्होंने नहीं किया वो सभी लाइक शेयर कर दे बच्चे ठीक है हाँ वृक्ष का मृदुल होगा भाई बिल्कुल सही था सी सी आंसर आ रहा है इसका सी कलुष कलुष का क्या हो जाएगा निष्कलुष कलुष का क्या हो जाएगा निष्कलुष कलुष का मतलब क्या है मट मेला है ना ये मेला टाइप जो होता है कलुष मतलब अच्छा शब्द नहीं होता निष्कलुष मतलब क्या हो जाएगा शुद्ध निष्कलुष शब्द मतलब क्या हो जाएगा शुद्ध ठीक है अगला देखिए चिरंजन चिरंतन है ये चिरंतन है ये कौन सा शब्द है हमारा चिरंतन 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 का विलोम बताइए चिरंतन का विलोम बताइए चिरंतन का विलोम बताइए फटाफट आंसर दीजिए चिरंतन का विलोम बताइए जल्दी से भोलू जी नो वरियर्स गेम जोन बुलबुल रवि रिंटू तोमर ए आंसर यशवंत जी का सी आ रहा है ना जय श्री राम सोम सुधाकर शशिरा केश राजा भूपति भूप नरेश जी बिल्कुल सी 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 आंसर आ रहा है किसी का ए आ रहा है देखो एक किस लौकिक का विलोम होता है अलौकिक लौकिक का विलोम होता है अलौकिक ये तो लौकिक का हो गया है ना नैसर्गिक किसका होता है प्राकृतिक का सॉरी प्राकृतिक और नैसर्गिक एक हो जाएंगे कृत्रिम का विलोम होता है कृत्रिम कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित और नैसर्गिक और प्राकृतिक जैसे पर्यायवाची है तो कृत्रिम का विलोम नैसर्गिक भी हो सकता है प्राकृतिक भी हो सकता है चिरंतन मतलब नश्वर चिरंतन मतलब जो लंबे समय तक ये जो चीर है इसका मतलब होता है कि जो लंबे समय तक चले चलता रहे चिरंजीवी वाला चीर है ये ची ये ची लिखा लगा रहता है ना ची गेंदालाल शो का जमुना बाई ची गेंदालाल शो का जमना बाई तो ची मतलब चिरंजीवी को दर्शाता है जो लंबे समय तक जीता रहे चिरंजीवी हो जाना अजर अमर हो जाना और ये चीर मतलब क्या होता है कपड़ा ये चीर मतलब क्या होता है कपड़ा द्रौपदी का चीर हरण हुआ मतलब यही हुआ था द्रौपदी चीर मतलब क्या होता है टुकड़ा एक एक चीर सबको दे दो दादाजी तरबूज लाए हैं तो ऐसा बोल देते हैं एक एक चीर सबको दे दो टुकड़ा और इसी चीर का एक अर्थ क्या होता है दोस्तों चीर फाड़ करना इसी चीर का एक अर्थ क्या होता है चिरफाड़ करना ठीक है क्लियर है और ये चीज चिरंजीवी लंबी आयु चिरायु हो मतलब लंबी आयु तक जीवे और नश्वर मतलब क्या हो जाएगा नासवान तो चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा नश्वर चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों नश्वर क्लियर है कृत्रिम का नैसर्गिक या प्राकृतिक लौकिक का अलौकिक होता है ये लौकिक ही लिखा हुआ था और लौकिक का क्या बन जाता अलौकिक ये आपस में विलोम है नैसर्गिक का कृत्रिम होगा और नश्वर का क्या होगा चिरंतन होगा अगला देखिए सन्यासी सन्यासी का विलोम बताएंगे जल्दी से सन्यासी का विलोम बताइए सन्यासी का विलोम क्या है सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या है तो ये सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है ध्यान रखिएगा आधा न भी आएगा अनुस्वार भी आएगा सन्यासी में कौन सी संधि है तो सन्यासी में व्यंजन संधि है सम धन न्यासी व्यंजन संधि है सन्यासी का विलोम क्या है तो सन्यासी का विलोम गृहस्थ है सन्यासी का विलोम क्या है गृहस्थ है सन्यासी का विलोम क्या है गृहस्थ है करेक्ट आंसर सी है करेक्ट आंसर सी है ठीक है भोगी का विलोम क्या होगा भोगी का भोगी का विलोम क्या होगा बताओ भोगी का ये वाले शब्द का विलोम क्या होगा भोगी का विलोम बताएंगे सारे लाल जल्दी से भोगी का विलोम बताओ फटाफट भोगी का विलोम बताएंगे जितने बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया अमन नामदेव शाबाश अमन नामदेव शाबाश शाबाश भोगी का क्या होगा योगी चलो राजा का विलोम बताओ राजा का विलोम बताओ जल्दी से राजा का विलोम क्या होगा राजा का विलोम क्या होगा फटाफट आंसर दीजिए राजा का विलोम क्या होगा जल्दी से आंसर देंगे सारे बच्चे राजा का विलोम क्या होगा जल्दी से बताओ राजा का विलोम क्या होगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राजा का विलोम क्या होगा रंक होगा रंक को हम पहली प्राथमिकता देंगे यदि रंक ऑप्शन में नहीं रहेगा तो प्रजा आंसर होगा लेकिन दोनों के होने पर रंक हमारा आंसर रहेगा यदि दोनों नहीं है तो राजा का विलोम रानी होगा लेकिन यदि तीनों है तो हमारा आंसर रंक होगा रंक प्रजा और रानी दोनों है तो हमारा आंसर प्रजा होगा यदि प्रजा भी नहीं है रंक भी नहीं है तब हमारा आंसर रानी होगा लेकिन रानी का विलोम सीधा सीधा ही राजा हो जाएगा क्लियर है इतना धीरेन्द्र कुमार कह रहे हैं गेस्ट ओबीसी लिस्ट में फीमेल का सिलेक्शन हो गया लेकिन बाले का क्यों नहीं हुआ सर गेस्ट में अच्छा इसका ऐसा कहना है ठीक है अब ये सरकार का, का काम है ना सर एक बार धीरेन्द्र का हाँ पढ़ लीजिए प्रीतम दास जी धीरेन्द्र का हमने कमेंट पढ़ लिया उनका एक क्वेश्चन है कि फीमेल का हो गया है तो और इसका नाइनटी फाइव वाले का क्यों नहीं हुआ गेस्ट में ऐसा उनका क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे पास नहीं है ठीक है हाँ मतलब कुछ ना कुछ आंसर तो रहेगा शुभांक बिल्कुल 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 चलिए अगला देखिए आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है आसमान पर चढ़ाना आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है ये क्या है मुहावरे क्योंकि इसमें क्या लगा है एंड में ना है ना आसमान पर चढ़ाना बताओ जल्दी से हाँ अजय बिल्कुल एस एस वालों का भी ध्यान रखा जाएगा अब रोज एस एस के हिसाब से आपके पांच पर्यायवाची पांच विलोम पांच अनेकार्थी कल और क्वेश्चन बढ़ा लेंगे अपन ये और मुहावरे लोकोक्ति चलेंगे आधे घंटे फिर आधे घंटे में अपन संधि समाज के क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे ठीक है फटाफट आंसर दीजिए इस प्रश्न का डी बी डी बी डी आंसर आ रहा है लेडीज फर्स्ट हाँ राजा पटेल डी 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 तो अत्यधिक प्रशंसा करना है ना आसमान पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना बहुत सही आंसर आ रहा है बहुत सही आंसर आ रहा है आप लोगों का अगला देखिए आंख की किरकिरी होना आंख की किरकिरी होना वो हमारी आंखों की किरकिरी हो गया है वो हमारी आंखों की क्या हो गया किरकिरी हो गया किरकिरी है वो आंख की किरकिरी है बताओ क्या आंधेगा अच्छा वन वर्ड भी लाना है ठीक है हमने इसीलिए बोला था बच्चे कि सेशन खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो कल बहुत सारे बच्चों ने जो डिमांड की आज वो हमने पूरी कर दी आपको जो भी पढ़ना है जैसा पढ़ना है थ्योरी पढ़ना है क्वेश्चन पढ़ना है कितने कितने क्वेश्चन के सेट बनाए जाए जो ज्यादा बच्चे कहेंगे वो हम बात मानेंगे आपसे ही हम हैं हम हमारे मन से नहीं आप कहोगे वैसा पढ़ा देंगे आप कमेंट बॉक्स में सेशन खत्म होने के बाद बाकायदा बताइएगा ठीक है कमेंट बॉक्स में सेशन खत्म होने के बाद बताइएगा ठीक है चलिए ए आंसर आ रहा क्या आंख की किरकिरी होना बहुत प्रिय होना नहीं भैया कष्टदायक धोखा देना अप्रिय लगना अच्छा नहीं लगता है जो तो वो आंख की किरकिरी है इसको तो हटा ही दो है ना ए आंसर ए बेटा ए सी नहीं दीपक दीपक नहीं ए अप्रिय लगना लाल पीला होना लाल पीला होना का मतलब बताए जल्दी से ये ठीक है सर आज पहली क्लास है क्या पर्याय विलोम की नहीं पहले भी बहुत सारी क्लासेस हो गई है अतुल राठौर जी अतुल कोठारे जी बहुत सारी क्लासेस हो गई है ये तीसवीं क्लास होगी अपनी आप पुरानी क्लासेस भी सर अब आ, मिक्स क्वेश्चन करवाइए देखो सारे बच्चे आ, जो है सेशन खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना है जिसमें ज्यादा कमेंट जो जिस डिमांड के होंगे वो पूरी होंगी यदि सबने कहा कि मिक्स क्वेश्चन चलने दो तो मिक्स हो जाएंगे सबने कहा कि नहीं टॉपिक वाइज चलने दो तो टॉपिक वाइज हो जाएंगे आप जैसा कहेंगे वैसा लेकिन सेशन खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है अभी तो हम पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं ठीक है और जिन बच्चों ने लाइक शेयर नहीं किया है पहले उस सेशन को लाइक शेयर कर ले जिन्होंने लाइक like शेयर नहीं किया आपने अपने जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो इतना काम आप कर लो फटाफट ये काम आपको करना भी चाहिए लाल पीला होना मतलब क्रोध करना लाल पीला मोहन के पिताजी मोहन के ऊपर लाल पीले हो गए मोहन के पिताजी मोहन के ऊपर लाल पीले हो गए मतलब क्रोध करना क्लियर है इतना अगला देखिए अगला देखिए सिर हथेली पर रखना का अर्थ है सिर हथेली पर रखना का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना पराजय स्वीकार कर लेना मरने के लिए तैयार होना अहम का विसर्जन करना सिर हथेली पर रखना फटाफट सिर अति अभी अतुल नहीं, अभी नहीं आपको जो है क्लास के बाद में कमेंट करना है जो पढ़ना है वो अभी केवल इन प्रश्नों का आंसर दे बेटा सी सी आंसर आ रहा किसी का बी किसी का सी किसी का बी किसी का सी अच्छा बी क्यों पराजय स्वीकार कर लेना नहीं सिर हथेली पर रखना का अर्थ होता है मर मरने के लिए तैयार होना ठीक है सिर हथेली पर रखना का अर्थ होता है मरने के लिए तैयार होना सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होगा मरने के लिए तैयार होना क्लियर है इतना अगला देखिए अंतर के पट खोलना अंतर के पट खोलना का अर्थ बताओ अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ होगा सिया नरवरिया प्रीति चौधरी सिम्पी मिश्रा कविता से अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ होता है ठीक है अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होता है वीरता का प्रदर्शन करना इसके लिए ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा ना बेटा कोई दूसरा मुहावरा आएगा इसके लिए कि वीरता का प्रदर्शन करना अभी दिमाग में नहीं आ रहा बच्चे कुछ होगा वीरता का प्रदर्शन करना नहीं आ रहा यार अंतर के पट खोलना इस प्रश्न का आंसर तो भेद खोलना शाबाश भेद खोलना ठीक है अंतर के पट खोलना नहीं भेद नहीं खोलना है वो भांडा फोड़ना होता है वो भंडा भाड़ा भंडा भांडा फूटना या भंडा फूटना बोलते हैं उसको ठीक है या कलई खुलना बोलते हैं कलई खुलना वो कलई खुलना होता है भंडा फूटना या कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुलना ठीक है अंतर के पट खोलना विवेक से काम लेना अंतर के पट खोल देना मतलब विवेक विवेक से काम लेना ठीक है अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना ठीक है विवेक से अच्छे ज्ञान के साथ जो है काम लेना उसका अगला देखिए श्रावण श्रावण का संधि को फटाफट निपटा लेते हैं ठीक है हो गए फटाफट पांच सौ हैं हमें फटाफट जल्दी से हमें पांच सौ करने आंसर दीजिए श्रावण श्रावण का क्या हो जाएगा स्रो प्लस अन स्रो प्लस अन ठीक है जो दिखेगी वो स्रो प्लस अन तो बराबर क्या बन जाएगा आपका श्रावण बराबर क्या बन जाएगा श्रावण इसमें यदि अयाधी ऑप्शन में है तो हम क्या लगाएंगे अयाधी स्वर संधि अयाधि स्वर संधि लेकिन इसका विच्छेद कैसा दिखेगा हमें वृद्धि स्वर संधि जैसा दिखेगा इसका विच्छेद ऐसा स्रो प्लस लेकिन होगा क्या अयाधी स्वर संधि अयाधी स्वर संधि अगला देखिए रामायण रामायण में कौन सी संधि फटाफट आंसर दो रामायण में कौन सी संधि है रामायण में कौन सी संधि है देखो रामायण में दो संधि है व्यंजन संधि भी विसर्ग संधि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सीरीज को निपटा लेते हैं अपन फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे राम राम प्लस प्लस अयन अयन तो दो अ मिलकर आ बन जाएंगे तो ये रामा तो बन गया य न किस में बदल जाएगा न में तो क्या बन जाएगा रामायण रामायण में कौन सी संधि और यदि दीर्घ स्वर संधि ऑप्शन में है तो हमारा आंसर दीर्घ स्वर संधि लेकिन यदि वहां पर दीर्घ स्वर संधि नहीं है ऐसे ऑप्शन है यण व्यंजन स्वर और विसर्ग तो देखो अब हम यहाँ पर स्वर संधि नहीं लगाएंगे अब हमारा आंसर व्यंजन संधि होगा आपके मन में प्रश्न उचकेगा कि सर जब दीर्घ नहीं है तो तो स्वर संधि तो फिर भी है ना वो हाँ दूसरे क्वेश्चन में है लेकिन रामायण वाले में नहीं है दूसरे में है लेकिन रामायण वाले में नहीं है रामायण में दीर्घ हो तो ही दीर्घ लगाए अदरवाइज व्यंजन संधि होगी क्योंकि न काना कहां बनता है व्यंजन संधि में बनता है न काना कहां बनता है व्यंजन संधि में बनता है महोदार्य का संधि विच्छेद क्या होगा महोदार्य में म और को हम क्या करेंगे महा और सामने क्या कर देंगे औदार्य ऐसा लिखा जाता है महोदार्य और संधि कौन सी हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों वृद्धि स्वर संधि ठीक है वृद्धि स्वर संधि क्लियर है इतना वृद्धि स्वर संधि अगला देखिए उज्जवल में कौन सी संधि है उज्जवल में कौन सी संधि है जहां पर भी दो ज साथ में आए जहां पर भी दो ज साथ में आए साथ में आए हमें क्या करना है पहले वाले ज का त करना है पहले वाले ज का त करना है जैसे हमें कहे उज्जवल तो हम क्या कहेंगे कि भैया ऊत धन ज्वल यदि हमें वो कह दे कि सज्जन क्या कह दे सज्जन तो हमें क्या कह देंगे कि भैया सत धन जन यदि हमें वो कह दे कि भैया सज्जाती तो हमें क्या कहना है कि भैया सत धन जाति और इस तरह से संधि कौन सी हो जाएगी व्यंजन संधि इस तरह से संधि कौन सी हो जाएगी संधि यदि हमें वो कहे कि जगत जननी जगत जननी की शुद्ध वर्तनी ये होती है जगत जननी में तराजू वाला नहीं होता जगत जननी जग्गू अनुष्का भाभी का नाम था पीके मूवी में आपने देखा होगा अनुष्का भाभी जगत जननी उर्फ जग्गू कौनो फिरकी रहा था कौनो फिरकी ले रहा था तो हम क्या करेंगे जगत प्लस जननी जगत प्लस जननी है ना इसी तरह से विद्युत ज्योति होता है विद्युत ज्योति विद्युत ज्योति विद्युत ज्योति में भी दोनों ही जहाँ आधे होते हैं विद्युत ज्योति तो इसका विच्छेद करते वक्त क्या हो जाएगा ये विद्युत धन ज्योति हो जाएगा विद्युत विद्युत धन ज्योति हो जाएगा क्लियर है इस तरह से व्यंजन संधि हो जाएगी अगला देखिए प्रत्युपकार में कौन सी संधि है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है फटाफट आंसर दो प्रत्युपकार में कौन सी संधि है जल्दी से आंसर दीजिए जगत बिल्कुल प्रत्युपकार कहीं पर भी प्र और आधे त से यदि कोई भी शब्द शुरू हो रहा हो प्र और आधे त से कोई भी शब्द शुरू हो रहा हो तो फिक्स है कि यण स्वर संधि ही होगी ऐसा फिक्स है कि उसमें यण स्वर संधि ही होगी यण स्वर संधि ही होगी ऐसा फिक्स है और विच्छेद में आपको क्या करना है प्लस के पहले पहले से ही प्रति लगा लो बचा क्या उपकार बचा क्या उपकार अब जब फिक्स है कि संधि है तो छोटी को निकालने पर आधा यह बनेगा त आधा का आधा प्र का प्र सर सामने क्या लिखे आपको तो पता है तो आपने उपकार लिख दिया बेटा नहीं भी पता है तो ये मोनिटर स्क्रीन पर दिख रहा है उनके यह में छोटा वह है तो हम यहाँ छोटा वो कर ले तो हमारा भी छोटा वह हो जाए उनके इसमें पकार लिखा हुआ है तो हम यहाँ पकार कर ले तो हमारे पास भी पकार हो जाए इस तरह से भी देख सकते हो संधि का नाम क्या हो गया यण स्वर संधि अगला देखिए अत्युक्ति का संधि विच्छेद क्या है अत्युक्ति का संधि विच्छेद क्या है हाँ समास में अव्ययी भाव समास बिल्कुल ठीक है अत्युक्ति का संधि विच्छेद क्या है यदि कोई भी शब्द अवर आधे तह से शुरू होता है अवर आधे तह से शुरू होता है तो वहां यण स्वर संधि ही होगी विच्छेद में हमें क्या करना है प्लस के पहले अति लगाना है प्लस के पहले क्या लगाना है अति लगाना है और सामने क्या कर देंगे उक्ति सामने क्या कर देंगे उक्ति तो शब्द क्या बन जाएगा लाडलो अत्युक्ति शब्द क्या बन जाएगा अत्युक्ति अति धन उक्ति अति धन उक्ति करेक्ट आंसर कौन सा हो गया सी करेक्ट आंसर कौन सा हो गया सी शाबाश सभी बच्चों को अगला देखिए निराश्रय शब्द का संधि विच्छेद निराश्रय शब्द का संधि विच्छेद इसका संधि विच्छेद बताओ फटाफट हेमंत मंडलोई अजय ऑप्शन सी आ रहा जितने भैया जितने बच्चे देख रहे लाइक शेयर करते रहे अपने हिसाब से आप लोग फटाफट नो वेरियस गेम सी आंसर दे रहा है नहीं बेटा नीह धन आश्रय होगा विसर्ग संधि है नीह धन आश्रय धन आश्रय विसर्ग किस में बदलता है आधे रह में और ये नहीं। आएगा तो इस रव को क्या कर देगा पूरा और अपनी मात्रा दे देगा इस तरह से शब्द क्या बना निराश्रय कौन सी संधि विसर्ग संधि कौन सी संधि विसर्ग संधि करेक्ट आंसर हो गया ए करेक्ट आंसर हो गया ए अगला देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि है निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का आंसर तो दो सौ तीन पर आ गए हम दो सौ तीन पांच सौ प्रश्नों की श्रृंखला पूरी करनी है रोज पंद्रह से बीस क्वेश्चन हमें एस एस के हिसाब से लेने हैं विच्छेद तो कर लेता हूं पर कौन सी संधि ये नहीं बनता अरे ये कौन सी संधि ये तो देख के ही पता चलता है बेटा ये तो देख के ही पता चलता है जैसे प्रमाद है तो प्र क्या उपसर्ग हो जाएगा वेदांत है तो वेद प्लस अंत बीच में आ की मात्रा है ना तो देख के ही पता चल रहा है कि इसी में दीर्घ स्वर संधि है वेद प्लस अंत वेदांत वेद प्लस अंत दो से मिलकर क्या बन जाएगा आ अभिप्राय में अभी उपसर्ग है अनंत में अन उपसर्ग है अन प्लस अंत है अन प्लस अंत है तो ये आ है वो अ आ आ आएगा न को क्या कर देगा पूरा और इस तरह से शब्द क्या बनेगा अनंत अनंत में संधि नहीं है यहां पर क्या है उपसर्ग है इसमें क्या है उपसर्ग है इसमें भी क्या है उपसर्ग है इसमें भी क्या है उपसर्ग तो वैसे ही संधि का आंसर भी था वैसे ही आंसर भी था ऐसे भी देख सकते हो आप हिंद पूजा जी जय पूजा जी है ना ऐसे भी देख सकते हो आप अगला देखिए डर मौत का नहीं डर मौत का नहीं डर तो इस बात का है कि मौत के बाद मोबाइल किसके हाथ लगेगा डर हमें मौत का नहीं मरने से नहीं डरते हम डर मौत का नहीं है डर तो केवल इस बात का है कि मरने के बाद बाद मोबाइल किसके हाथ लगेगा निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन कीजिए कौन सा शब्द अशुद्ध है देख लेते हैं भाई तथेव है तो क्या करेंगे तथा धन एव तथा धन एवं संधि का नाम क्या हो गया वृद्धि स्वर संधि वृद्धि स्वर संधि। तथा, तथा धन अपि। ठीक है कौन सी संधि हो गई दीर्घ स्वर संधि कौन सी संधि हो गई दीर्घ स्वर संधि तदाकार, तो क्या हो जाएगा तत धन आकार तत धन आकार कौन सी संधि भैया व्यंजन संधि कौन सी संधि व्यंजन संधि तदोपरांत तदोपरांत शब्द ही अशुद्ध है अर्थात आंसर क्या हो जाएगा डी क्या होता है तदुपरांत होता है क्या होता है तदुपरांत तो क्या हो जाएगा तत धन उपरांत तत धन उपरांत ठीक है तत धन उपरांत तो तदुपरांत बन जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा डी वो कह रहा है कौन सी संधि अशुद्ध है तो तदोपरांत शब्द होता ही नहीं है तदोपरांत शब्द होता ही नहीं है शुद्ध शब्द क्या होता है तदुपरांत शुद्ध शब्द क्या होता है तदुपरांत तदोपरांत है ही अशुद्ध वर्तनी तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा डी इसमें गए हाँ ऐसे ही टपके गए ऐसे ही टपकोगे तुम लोग ऐसे ही टपकोगे ध्यान दो जिस तरह आदि प्लस अंत से आध्यांत बनता है उसी तरह ऊपरी प्लस उक्त से क्या बनेगा ऐसा उसका कहना है आदि प्लस अंत आदि प्लस अंत वो कह रहा है भैया इसमें यण स्वर संधि है और जिस तरह से छोटी को निकालने पर यह बनेगा द बचेगा आधा आ का आ, आ आएगा पूरा करेगा अपनी मात्रा देगा तो शब्द क्या बन जाएगा आद्यंत क्या बन जाएगा आध्यंत ठीक है आद्यंत बनता है है ना आद्यंत बनता है शब्द क्या बनता है दोस्तों आद्यंत बनता है तो अब ये आ आ फिर ये और ये मिलकर क्या बन जाएंगे ये वाला ध ये वाला ध और ये आध्यंत बना तो उसका कहना है ऊपरी प्लस उक्त से क्या बनेगा तो ये है ऊपरी और ये है उक्त तो इसमें भी युस्वर संधि छोटी को निकालने पर यह कैसा बचेगा आधा प का प ऊ का ऊ आएगा तो इस य को क्या कर देगा पूरा और अपनी क्या दे देगा मात्रा और त तो ये क्या बना उपरुक्त अब हिंदी का नियम है कि आधार लिखते नहीं है जब भी आधार होता है अपने से पीछे वाले वर्ण के ऊपर जाकर बैठ जाता है उपयुक्त होता है शब्द क्या होता है उपयुक्त यदि कहीं पर लिखा हुआ है उपरोक्त क्या लिखा हुआ है उपरोक्त तो आप समझ जाना ये शब्द ही अशुद्ध है अशुद्ध वर्तनी है ये ये क्या है दोस्तों अशुद्ध वर्तनी है ये शब्द ही अशुद्ध है ये कौन सी वर्तनी है अशुद्ध वर्तनी है उपरोक्त अशुद्ध वर्तनी है बहुत जगह हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन ये कैसी वर्तनी है लाडलो अशुद्ध वर्तनी है उपयुक्त होता है कौन सा हो गया सी ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो गया सी क्लियर इतना अगला देखिए निम्नलिखित अधोलिखित होता है अधोलिखित है ना उपरोक्त उपरोक्त उपयुक्त होता है फिर अधोलिखित होता है निम्नलिखित में से में भारतेंदु की सही संधि है निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि भारतेंदु किसे कहा जाता है हरिश्चंद्र को कहा जाता है भारतेंदु किसे कहा जाता है हरिश्चंद्र को कहा जाता है है ना हरिश्चंद्र की उपाधि है भारतेंदु भारतेंदु उनकी क्या थी उपाधि भारतेंदु नाम नहीं था भारतेंदु उपनाम था उपाधि है रियल नाम क्या है हरिश्चंद्र और भारतेंदु क्यों कहा जाता है क्योंकि भारत धन इंदु गुण स्वर संधि है इंदु का मतलब क्या होता है चंद्रमा इंदु का मतलब क्या होता है चंद्रमा वो भारत के चंद्रमा है वो भारत के चंद्रमा थे इसलिए उन्हें भारत कहा जाता है गुण स्वर संधि गुण स्वर संधि मात्र थर्टी फोर ईयर्स की आयु में मर गए और हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं कौन भारत हिंदू तो भारत धन हिंदू भारत धन हिंदू करेक्ट आंसर डी हरिश्चंद्र में यदि संधि पूछ लेगा हरिश्चंद्र में यदि संधि पूछ ले तो हरिह धन चंद्र हरिह धन चंद्र हरिश्चंद्र में यदि संधि पूछ ले तो क्या बताओगे हरिह धन चंद्र कौन सी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि कौन सी संधि हो जाएगी लाडो लो विसर्ग संधि क्लियर है इतना चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए अन्यान्य अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद कह रहा है कि अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद आ प्लस अन्य नहीं होगा अन्य प्लस अन्य अन्य प्लस अन्य करके देख लेते हैं अपन दीर्घ स्वर संधि बनने वाली है अन्य प्लस अन्य दो अ से मिलकर क्या बन जाएगा आ और शब्द क्या बनेगा अन्य अन्य तो आ से मिलकर क्या बन जाएगा आ शब्द क्या बनेगा अन्यान्य करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा लाडलो बी क्लियर है सभी को जितने बच्चे देख रहे हैं आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो यार लाइक शेयर कर दिया करो थोड़े बच्चों तक रीच पहुंच जाए अपनी बिना देखे आप सेशन को देखते रहते हो लाइक शेयर करो फिर आप लोग भूल जाओगे नहीं तो जिस तरह दुधन आचार से दुराचार बनता है क्या कहना है उसका कि जिस तरह दुह धन आचार से दुअ धन आचार से दुराचार बनता है विसर्ग किस में बदल जाएगा ये जो विसर्ग है ये जो विसर्ग है ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा आधे र में दू का दू आ आएगा तो इस र को क्या कर देगा पूरा और अपनी मात्रा भी दे देगा और इस तरह से शब्द क्या बनेगा दुराचार तो दूधन स्वप्न से दुधन स्वप्न से क्या शब्द बनेगा दुधन स्वप्न से तो ये है दू ये है दू और ये क्या है हमारे पास स्वप्न तो विसर्ग किस में बदलेगा आधेरा में तो इस तरह से ये जो शब्द बनेगा ये ये वाला बन जाएगा दूर स्वप्न दूर स्वप्न और ये क्या लिखा है यहाँ लिखा है ये क्या कहाँ लिखा? लिखा है यहाँ लिखा है क्लियर है इतना ठीक है दूर स्वप्न बन जाएगा ये कहा लिखा है यहाँ लिखा है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी संधि कौन सी हो जाएगी विसर्ग संधि संधि कौन सी हो जाएगी लाडलो विसर्ग संधि क्लियर है इतना चलिए अगला देखिए तेजोमयी तेजोमयी हम क्या करेंगे बेटा अभी जैसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सेशन कैसा चाहिए आपको स्टार्टिंग में पांच पर्यायवाची के क्वेश्चन दिए थे आज हमने पांच पर्यायवाची के क्वेश्चन रखे थे पांच विलोम के क्वेश्चन रखे थे आपके सामने पांच आपके मुहावरे लोकोक्ति के थे पांच आपके किसके थे मुहावरे लोकोक्तियों के ठीक है जिससे एसएससी जीडी में आपको फायदा मिले अब इसके अलावा आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए ये क्वेश्चन और बढ़ाने हैं या या मिक्स क्वेश्चन लेके आ जाए या वही टॉपिक वाइज हम रस अलंकार पर पढ़े और या फिर आधे आधे घंटे आधे घंटे एस एस को मेन टारगेट कर दें और आधे घंटे एस एस प्लस पटवारी के हिसाब से चलता रहे जैसे आज का सेशन आपके एस एस प्लस पटवारी दोनों के हिसाब से चल रहा है आधा घंटा एस एस के लिए दे दिया हमने और आधे घंटे में पटवारी वालों को भी दे दिया क्लियर है इतना इस पटवारी को आलोक के तो लिए पूरा सेशन यही से ही इंपॉर्टेंट वैसे भी ठीक है तेज धनमई तेज धनमई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सी तो सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दें अगला देखिए संतोष का संधि विच्छेद संतोष का संधि विच्छेद देखिए संतोष का संधि विच्छेद तो यहां पर क्या करना है समधन संतोष यदि संधि का संधि विच्छेद पूछेगा ना तो भी मत सोचना कि संधि संधि में संधी नहीं होती होगी संधि में भी व्यंजन संधि है सम संजय समधनजय धनजय है ना इस तरह से इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है पवन को यदि हम देखें तो पो प्लस अन प्लो प्लस अन कौन सी संधि हो गई अयाधि स्वर संधि कौन सी संधि हो गई दोस्तों अयाधि स्वर संधि पो प्लस अन कौन सी संधि हो गई अयाधि स्वर संधि नमस्कार नमस्कार को यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा नम धन कार नम धन कार संधि हो गई लाडलो विसर्ग संधि कौन सी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि क्लियर है इतना इसी तरह से यदि हमने मनोहर को देखा मनोहर को तो क्या हो जाएगा मनह मनह धन हर और ये भी कौन सी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि ये भी कौन सी संधि हो जाएगी लाडलो विसर्ग संधि इसी तरह संयोग को यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा सम धन योग। सम धन धन योग योग तो करेक्ट आंसर कौन सा पवन क्योंकि वो पूछ रहा है स्वर संधि का उदाहरण है तो पो पोपल संयादी स्वर संधि ओके अगला देखिए निराशा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा निराशा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा फटाफट आंसर दो निराशा का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए निराशा का बी आंसर आ रहा क्या बी निराशा निधन आशा बिल्कुल सही बिल्कुल सही धन आशा नीह धन आशा बराबर ये विसर्ग किस में बदला आधे में और ये नी और ये आया पूरा किया और ये शाकाशा तो शब्द क्या बन जाएगा निराशा कौन सी संधि है विसर्ग संधि ठीक अगला देखिए गण धन ईश में कौन सी संधि गण धन ईश गण धन ईश में कौन सी संधि है गण धन में कौन सी संधि है? है बताओ गण धन में कौन सी संधि है गण धन में कौन सी संधि है गण धन में कौन सी संधि है तो ये हो जाएगा गण धन ऐश गणेश गण धन ऐश गणेश कौन सी संधि गुण स्वर संधि कौन सी संधि है गुण स्वर संधि अगला देखिए निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं इधर क्या लिखा टेक्निकल टीम में कंजूस पप्पू बच्चों जो रात में खाना नहीं खाएगा उसे पांच रुपए मिलेंगे बच्चों जो रात में खाना नहीं खाएगा उसे पांच रुपए मिलेंगे सब बच्चे पांच रुपए लेके सो गए ठीक है सुबह पप्पू बोला अब जो पांच रुपए देगा उसे ही नाश्ता मिलेगा अब जो पांच रुपए देगा उसे ही नाश्ता मिलेगा बच्चे बेहोश निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है प्लस के जस्ट पहले वाले से प्लस के प्लस के जस्ट बाद वाले से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं संधि कहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं संधि विकार का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन अंतर्ध्या राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए अंत राष्ट्रीय शब्द में संधि वाणी और पानी दोनों में ही छवि नजर आती है पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है वाह वाह दास बहुत ही शानदार प्रदर्शन बहुत ही शानदार प्रदर्शन ठीक है वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है बहुत सही बहुत सही पॉइंट भैया अंतन राष्ट्रीय अंत धन राष्ट्रीय अंत धन राष्ट्रीय अंत धन राष्ट्रीय विसर्ग क्या बनेगा आधार ठीक है विसर्ग क्या बनेगा आधार अब जब आधार रहेगा तो ये इस तरीके से रहेगा र रह के नीचे हलंत है ना और ये अंतरराष्ट्रीय बना अब हमें पता है कि आधार हम लिखते नहीं है तो ये क्या करता है अपने से पीछे वाले वर्ण के ऊपर जाकर बैठ जाता है जिसे हम र रफार या रेफ कहते हैं और इस तरह से संधि कौन सी हो गई विसर्ग संधि अगला देखिए सन्यासी शब्द में संधि है सन्यासी शब्द में संधि है इस प्रश्न का आंसर दो सन्यासी शब्द में संधि है क्या आंसर हो जाएगा सन्यासी में क्या है दोस्तों यह है सम और यह है न्यासी सम और न्यासी और शब्द क्या बन जाएगा सन्यासी 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 का विलोम पूछे तो क्या बताएंगे हम गृहस्थ सन्यासी का विलोम पूछे तो हम क्या बताएंगे गृहस्थ सन्यासी में कौन सी संधि है व्यंजन संधि अगला देखिए निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है बताइए फटाफट अयाधि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है भैया अयाधी संधि का उदाहरण आप लोग बताओ फटाफट रंजित गुर्जर ये गलत है बेटा गलत है रंजित का गलत है अमन नामदेव शाबाश अमन नामदेव बिल्कुल सही अमन लड़का पढ़ता है भैया मतलब ठीक है गंगा उदक क्या हो जाएगा गंगा प्लस उदक कौन सी संधि है अमन अब ये भी बता दो बच्चों को कौन सी संधि है बेटा ये भी कमेंट कर दो जल्दी से तुमने सही आंसर दिया है अमन ठीक है कौन सी संधि है ये भी बता दो भैया है ना गंगा उदक गंगा प्लस उदक गुण स्वर संधि है ठीक है गे प्लस अन हो जाएगा ये तो गे प्लस अन गायन ओ प्लस अन पवन ओ प्लस अन पवन और पो प्लस अक प्लो प्लस अक पावक और तीनों में ही कौन सी संधि है अयादी स्वर संधि है कौन सी अयादी है करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा सी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सी अगला देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है इसका आंसर दो फटाफट इस प्रश्न का आंसर दो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इस प्रश्न का आंसर दो लगा सकते हैं सर प्लीज ये बता दीजिए कि आफ्टर मैरिज कास्ट सर्टिफिकेट माइके का लगा सकते हैं पटवारी के फॉर्म में उसमें कास्ट तो सेम है बट तो लास्ट नेम अलग है प्लीज बताइए क्या करें मैडम यदि आप मैरिड हैं और आपने फॉर्म में अभी तक अपने पिताजी के नाम से और पिताजी के नाम से ही सारे फॉर्म चलते आ रहे हैं ठीक है तो आप अपने पिताजी के नाम पर ही या वहीं से पूरी जॉब कर सकते हो भले ही आप मेरिड हो ठीक है आपके पिताजी का नाम आपके नाम के आगे चलता रहेगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपके काम में आएंगे बस बशर्त ये ना हो कि आप वहाँ पर फिर जहाँ पिता या पति का नाम होता है वहाँ पति का नाम डाल दें समझ में आया यदि आप मेरिड भी हैं और पिता के नाम से ही चलती आ रही हैं तो बकायदा आपका उसमें चलता रहेगा फिर पति को बीच में नहीं लाना है मेरिड है वो अपनी जगह है बाकी पिता के नाम से आजीवन जोप चलती रहेगी अमन नावदेव मुनि मुनीधनीश बिल्कुल मुनी मुनि धनीष साबाश मुनि कौन सी संधि है दीर्घ गुण स्वर संधि मुनिधन ईश कौन सी संधि है स्वर संधि है दिग्गज क्या हो जाएगा दिक धन गज धन गज ये व्यंजन संधि है उच्चारण है तो क्या हो जाएगा उत्धन धन चारण उत्धन धन चारण और उद्योगपति में संधि नहीं होती है उद्योगपति में संधि नहीं होती है उद्योगों का पति समास हो जाएगा लेकिन उद्योगों का पति समास हो जाएगा लेकिन उद्योगों का पति उद्योगों का पति संबंध तत्पुरुष समास कौन सा समास है संबंध तत्पुरुष समास ठीक है उद्योगों का पति करेक्ट आंसर कौन सा है ए करेक्ट आंसर कौन सा है ए अगला देखिए परोपकार शब्द में कौन सी संधि है परोपकार शब्द में कौन सी संधि है फटाफट आंसर दो राम राम सर जी राम राम के पी राम राम केपी ठीक है मोनिका वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ठीक है तोमर, मधु कोमल अमन नवल कुमार नामदेव ओम प्रकाश ये आंसर आ रहा है प्रतिभा भी परोपकार में संधि तो देखो परोपकार में क्या हो जाएगा पर प्लस उपकार दूसरे पर किए गए उपकार को एक शब्द में हम क्या कहते हैं परोपकार दूसरे पर किया गया उपकार एक शब्द में क्या कहलाता है परोपकार ठीक है दूसरे पर किया गया उपकार एक शब्द में क्या कहलाता है परोपकार संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि अगला देखिए दोस्तों दो स्वरों अथवा दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं दो स्वरों अथवा दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं दो स्वरों अथवा दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं ठीक है दो स्वर हो मतलब या तो स्वर के साथ स्वर का मेल हो या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो तो सीधी सी बात है वो संधि कहलाती है। क्या कहलाती है वो संधि कहलाती है दो स्वरों या व्यंजनों का मेल भी क्या कहलाता है संधि अगला देखिए विजयोल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए विजयोल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए विजय प्लस उल्लास विजय प्लस

डी uh, आंसर आने लगे बच्चों के मतलब ठीक है बहुत तो सारे बच्चों को आता है नवल सिंह कह रहा है सी सी किस खुशी में बेटा विद्यार्थी ये देखिए ये क्या है विद्या ये क्या है विद्या विद्या में क्या है आ ये क्या है अर्थी इस अर्थी का मतलब क्या होता है इच्छुक जो मर जाते हैं वो अर्थी कौन सी होती है ये इसी को कहते हैं टिरकी इसी को कहते हैं जनाजा इसी को कहते हैं सव वाहन इसी को कहते हैं सव यात्रा ये मर जाते हैं वो यह अर्थी है और यह अर्थुक होता है जैसे अभ्यर्थी, बन जाएगी नहीं? क्या बन जाता है अभ्यर्थी क्या बन जाता है अभ्यर्थी यहाँ छोटी ही के सामने आ है भिन्न स्वर है इसलिए अभ्यर्थी शब्द शुद्ध है अभ्यार्थी नहीं होता यह में मात्रा नहीं आती है बड़ा की यह होता है केवल वैसे ही विद्यार्थी में क्या है ध में आ सामने अ और शब्द क्या बन जाएगा विद्यार्थी विद्यार्थी जो विद्या जो विद्या को चाहने वाला होता है ना जो विद्या को चाहता है वो विद्यार्थी है हम भी विद्या को चाहते हैं इसलिए इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अंदर विद्या आए इसलिए हम हिंदी के विद्यार्थी हैं हम चाहते हैं कि हमारे अंदर विद्या आए इसलिए हम हिंदी के विद्यार्थी हैं क्योंकि अभी हमारे अंदर विद्या नहीं है अभी हमारे अंदर विद्या नहीं है अभी जीरो पॉइंट पॉइंट कुछ परसेंट हमारे अंदर विद्या है अभी एक परसेंट भी हिंदी हमें नहीं आ रही है इसलिए हम क्या हैं दोस्तों विद्यार्थी हैं विद्यार्थी में कौन सी संधि है दीर्घ स्वर संधि विद्यार्थी में कौन सी संधि है दीर्घ स्वर संधि दिग्भ्रम प्रार्थी प्रप्ल अर्थी शाबाश प्लस अर्थी धीरज मालवीय क्या बन जाएगा बेटा प्र प्लस अर्थी उपसर्ग भी हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि ठीक है दीर्घ स्वर संधि शाबाश बच्चे धीरज बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहा है धीरज अच्छा लड़का है दिग्भ्रम का उदाहरण है तो दिग्भ्रम का उदाहरण क्या हो जाएगा दीक धन भ्रम दीक धन भ्रम क किसमें बदलता है अपने तीसरे में क का तीसरा क्या है ग दी का, का। दी का दी और भ्रम का भ्रम दिग्भ्रम कौन सी संधि हो गई व्यंजन संधि कौन सी संधि हो गई व्यंजन संधि अगला देखिए द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा फटाफट आंसर दो सोच रहा था फेसबुक बंद कर दूं लेकिन इसका ढक्कन नहीं मिल रहा है अरे बिल्कुल सही है पागल आदमी सोच रहा था फेसबुक बंद कर दूं किंतु इसका ढक्कन नहीं मिल रहा है भाई साहब को देखो ठीक है जितने बच्चे देख रहे हैं बेटा लाइक शेयर कर दू आप लोग थोड़ा सा यदि आप अपने उस पर स्टेटस पे डाल देंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक तो रीच हो पाएगी अर्चना अमन नामदेव अनामिका आंसर बी आ रहा है दो धन अपी। दो धन अपी अपी क्या बन जाएगा दो ये जब जब हम हम यदि इसे दो कर देंगे और सामने अपी कर देंगे तो कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों अयाधी स्वर संधि कौन सी संधि हो जाती है अयाधि अब जब अयाधी हो जाती है तो औ का क्या बन जाता है आउ आऊ का क्या बन जाता है आउ जब आउ को निकालेंगे तो ऊपर क्या कंडीशन हो जाएगी ये वाली ऊपर क्या कंडीशन हो जाएगी ये वाली ठीक है अब ये दुआ आया ठीक है ये क्या आया दुआ आया तो ये दुआ है अब इसमें आ आएगा तो ये आ, आ, आ आया इसको क्या कर दिया इसने पूरा तो ये बन गया दुआ देखो दुआ बना अब ये आ आया तो ये व को क्या कर देगा पूरा तो ये व पूरा और ये द्वा पी ठीक है इस तरह से क्या बन जाएगा दो ध्वन अपी या संधि का नाम हो जाएगा अयाधि स्वर संधि संधि का नाम क्या हो जाएगा अयाधि स्वर संधि क्लियर है नेक्स्ट अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद तो हम सबको पता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अधिक अधिक अत्यधिक कौन सी संधि संधि है यान स्वर है स्वर ठीक है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है बताइए इस प्रश्न का आंसर दो कौन सी विसर्ग संधि है निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है कौन सी विसर्ग है फटाफट आंसर दो विसर्ग संधि ए ए ए आंसर आ रहा क्या ए ए ए निरंतर निह धान अंतर विसर्ग बना आधार हाँ भैया इसी में है आधार बना तो आ आएगा तो पूरा कर देगा और ये निरंतर ठीक है दिग्गज में कौन सी संधि है व्यंजन संधि दिग धन गज जगदीश में कौन सा है व्यंजन संधि जगत धन ईश और महेश में कौन सी संधि है दीर्घ स्वर संधि ध्यान रखना मही धन ईश महीश किसे कहते हैं राजा को मही किसे कहते हैं धरती को मही किसे कहते हैं धरती को ठीक है मही किसे कहते हैं धरती को महेश किसे कहते हैं राजा को जो धरती का राजा है वही तो महीश है ठीक है अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है फटाफट आंसर दो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है जल्दी से आंसर दो सदैव मनोरथ निर्गुण सदाचार सदैव मनोरथ निर्गुण सदाचार ऋषिका तो ए सी सोनिकाट ए आंसर आ रहा है अमन का डी आ रहा है देखते हैं भाई किसमें व्यंजन संधि है सदैव क्या हो जाएगा सदा धन एव ठीक है अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप या घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी यही मेरे साथ सब काम हो जाएगा मना धन रथ ठीक है निर्गुण निह धन गुण ठीक है सब में विसर्ग संधि है और बांसे हुए पर स्वर संधि है वो पूछ रहा है व्यंजन संधि किसमें है तो ये हो जाएगा सत धन आचार, सत धन धन आचार आचार और इसमें हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि क्लियर है अगला इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है फटाफट आंसर दीजिए धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है ठीक है इतिधन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है तो क्या हो जाएगा इति धन आदि इति धन आदि छोटी को निकालने पर यह तब आधा ई का ई आएगा तो इसको पूरा कर देगा अपनी मात्रा दे देगा और शब्द क्या बन जाएगा इत्यादि कौन सी संधि है यण स्वर संधि है कौन सी संधि है यण स्वर संधि यह आज का लास्ट क्वेश्चन लास्ट इसके बाद ले लेंगे तीस निम्नलिखित में से एक कथन गलत है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है फटाफट आंसर दो कौन सा कथन गलत है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं जी बिल्कुल कहते हैं दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं जी बिल्कुल कहते हैं व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं जी बिल्कुल कहते हैं विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से हट ये विसर्ग है तो इसके बाद थोड़े ना विसर्ग आता है ये तो गलत चीज हो गई तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया डी करेक्ट आंसर कौन सा हो गया डी करेक्ट आंसर कौन सा हो गया डी डी इज करेक्ट आंसर क्योंकि हमें वो बताना था जो गलत है हमें वो बताना था जो गलत है और गलत आंसर कौन सा है डी जो गलत आंसर है वो कौन सा है डी चलिए इसका संधि विच्छेद करके बता दो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कल फिर हम पहले स्टार्टिंग में कल के सेशन में क्या पढ़ेंगे पर्यायवाची के क्वेश्चन हल करेंगे विलोम के क्वेश्चन हल करेंगे मुहावरे लोकोक्तियों के क्वेश्चन हल करेंगे ठीक है मुहावरे लोकोक्तियों के क्वेश्चन हल करेंगे और अनेक शब्दों के एक शब्द आधे घंटे यही चलेगा और आधे घंटे बाद इन क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू कर लेंगे ठीक है इस क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू कर लेंगे तो जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक शेयर करें ज्यादा से ज्यादा जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है वो लाइक शेयर करें सेशन को ज्यादा से ज्यादा जो नए बच्चे हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करें जिसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा इस प्रश्न का आंसर दो फटाफट इस प्रश्न का आंसर दो लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर दो चलिए क्या हो जाएगा देखिए पुर धन कार क्या हो जाएगा पुर धन कार तो विसर्ग का क्या बन जाएगा आधा स और शब्द बन जाएगा पुरस्कार विसर्ग का बन जाएगा आधा और शब्द बन जाएगा पुरस्कार कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों विसर्ग संधि कौन सी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि ठीक है तो सभी बच्चों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो भी अर्चना जी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जो ज्यादा बच्चे डिमांड करेंगे वो सेशन चलता रहेगा आप सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताए किस तरीके से आपको पढ़ना है आज के लिए इतना ही जय हिंद जय हिंद बच्चों